हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सब अच्छे ही होंगे. सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. ओके, सो आर यू ऑल्सो यूजिंग अ फैन पेज अलॉन्ग विद योर स्टडीज? या आई नो, इसीलिए तो आप यहाँ आए हो, राइट? ओके, सो गाइस, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रन अ फैन पेज विद आवर स्टडीज. दिस इज सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आएगा, पहले वो देख लो फिर ये वीडियो देखना. तो बेसिकली हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं और ब्रेक्स के बीच में अपना फैन पेज यूज़ करेंगे, राइट? तो आई होप आप सब ने ट्राई किया होगा. इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे ओपिनियंस या फिर कह सकते हैं कि मैं कैसे अपनी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ वो शेयर करूँगी. ओके, सो लेट्स बिगिन. गाइस, पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ कि एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स टू योर स्टडीज़ इन अ डे. यस, एटलीस्ट 5 आवर्स टू स्टडी करनी ही चाहिए. अब प्रॉब्लम ये नहीं, ये है कि इतने आवर्स स्टडी कर ले बट टाइम कैसे मैनेज करें, फैन पेज किस टाइम पे यूज़ करें एंड ऑल. तो गाइस, पहले आप ही सोचो कि हम स्टडीज़ क्यों करते हैं. बिकॉज हमारा जो करियर है वो हमारे स्टडीज़ पे डिपेंडेंट है. आई नो कि हमारा फैन पेज भी है और हमें हमारे आइडल्स बहुत ज़्यादा प्यार है. आई नो एवरीथिंग, बट गाइस, आपके आइडल भी फर्स्टली यही चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो एंड बहुत आगे जाओ. और ये सब ईजी नहीं होता. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप फैन पेज यूज़ करना बंद कर दो. नो, ये भी गलत है. आप यूज़ करो, आपको अच्छा लगता है आप यूज़ करो, बट एज आई सेड इन माई फर्स्ट वीडियो, यूज़ योर फैन पेज इन अ लिमिट. यस, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं जो पूरा पूरा दिन फ़ोन यूज़ करते हैं. हमें ऐसा नहीं बनना है. गाइस, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो आप सबको पता ही है कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ. आई मीन इंस्टाग्राम फैन पेज, इंस्टाग्राम फिल्टर पेज और ऊपर से मेरा यूट्यूब चैनल भी है. सो आप सोचेंगे कि ये भी पूरा दिन मोबाइल यूज़ करती होगी, है ना? बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं एंड ऊपर से स्टडीज़ करना. नो गाइस, मेरा सब फिक्स होता है. मैंने ऑलरेडी सब माइंड में सेट कर रखा है कि मुझे कब कौन सी चीज़ करनी है और कब नहीं करनी है. येस, आई हैव अ फैन पेज एंड इवन फिल्टर पेज ऑन इंस्टाग्राम, बट मुझे इस चीज़ का इतना स्ट्रेस नहीं है. मुझे टाइम मिलता है तो पोस्ट करती हूँ और नहीं मिलता तो नहीं करती हूँ. येस, मैं बहुत लॉन्ग टर्म्स तक पोस्ट नहीं करती हूँ. बिजी होने की वजह से आई हैव टू डू माई स्टडीज़ एंड वेरी वेरी श्योरली नो दैट स्टडीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी टू. आई नो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि आज पोस्ट नहीं किया अब क्या करेंगे. नो गाइस, दिस इज रॉन्ग. पोस्ट नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा. और मुझे पता है कि ग्रो होने के लिए तो डेली पोस्टिंग ज़रूरी है, बट क्या स्टडी से भी ज़्यादा ज़रूरी है? ऑफ कोर्स नो. इसका पूरा अपोजिट करें तो ये भी करेक्ट है कि अगर आप पूरा दिन फ्री हो, कोई ज़्यादा स्टडी नहीं करनी आज या कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है, तो आप उस दिन फैन पेज ज़्यादा यूज़ कर लो. मीन्स ऐसा नहीं कि स्टडीज ही मत करो उस दिन, स्टडी करो लाइक 2 to 3 आवर्स और उस दिन आप अपना फैन पेज थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लो और आप एडिटिंग कर लो. मीन्स 5 to 6 डेज का पोस्ट एक ही दिन में रेडी कर लो, तो इससे आपको भी लोड नहीं रहेगा. गाइस, आई मस्ट से, जब भी मुझको कोई ज़्यादा वर्क नहीं रहता और पता होता है कि कल बहुत सारा वर्क करना है, तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम उस दिन फैन पेज को या यूट्यूब चैनल को देती हूँ. मीन्स मैं वीडियोस और एडिट्स 2 to 3 डेज के एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, तो मेरा पूरा वर्क बहुत इजीली हो जाता है और पढ़ाई भी प्रॉपर वे में हो जाती है. आप भी ये एक बार करके देखो. फॉर एन एग्जाम्पल, संडे. यस, संडे को मोस्ट ऑफ टाइम सभी फ्री ही होते हैं, तो संडे को आप जिस भी टाइम फ्री रहते हो उस टाइम में आप एडिट बना लो. ओनली वन एडिट नहीं, एटलीस्ट 5 एडिट्स. यस, और एडिट्स को भी इतना टाइम मत दो, ओनली 10 मिनट्स में अच्छा से अच्छा एडिट बन ही जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 मिनट लगते हैं. तो बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही है कि आप अपना पूरा डे ऑब्जर्व करो और आराम से बैठ कर सोचो कि आपको इस टाइम क्या करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए. अगर ऐसा करोगे तो स्टडीज़ भी प्रॉपरली हो जाएंगी और फैन पेज और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज भी हो जाएंगी. होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और ये वीडियो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस तो नहीं, मतलब मैं कैसे अपनी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ उस पर बनाया है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप श्योरली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर आपकी प्रॉब्लम या आपका टाइम टेबल शेयर कर सकते हैं। आई श्योरली रिप्लाई। इंस्टाग्राम अकाउंट्स लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।